वीवो Y22 फाइनली आज इंडिया में वीवो ने लॉन्च कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस का रिव्यू करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फ़ोन परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये जो फ़ोन है यह दो स्टोरेज कन्फिग्रेशंस में इंडिया में लॉन्च किया गया है। पहले स्टोरेज वेरिएंट में हमको 4 GB रैम मिल जाती है प्लस 64 GB स्टोरेज मिल जाती है जिसका प्राइस 14,500 है। दूसरे में हमको 6 GB रैम मिल जाती है प्लस 128 GB स्टोरेज मिल जाती है जिसका प्राइस 16,500 है। एंड ब्लू और ग्रीन दो कलर ऑप्शन में हमको ये फ़ोन मिलता है। डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जैसा आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो। प्लास्टिक की बॉडी है यहाँ पे एंड ओवरऑल अच्छा लगता है फ़ोन देखने में एंड ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में ही आता है। एंड यह जो फ़ोन है यहाँ पे हमको 16.55 इंचेस की HD+ की एक IPS डिस्प्ले मिलती है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। तो इस प्राइस में हमको हर फ़ोन में फुल HD+ की डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन यहाँ पे HD+ की ही है तो ये यहाँ पे माइनस पॉइंट है। यहाँ पे फुल HD+ की डिस्प्ले एटलीस्ट होनी चाहिए थी तो यहाँ पे बढ़िया होता। इसके अलावा यहाँ पे हमको हीलियो का G70 मिल जाता है। अब प्रोसेसर यहाँ पे ठीक है वीवो के हिसाब से देखने जाएँ तो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो ठीक से मिल जाएगी। इससे पहले ये लोग हीलियो का G37 या G35 देते थे, P35 ऐसा करके देते थे तो उससे तो काफ़ी बेटर है। एंड G70 ठीक सा प्रोसेसर है, आपकी गेमिंग वगैरह और जो नॉर्मल टास्क हैं वो आपके हो जाएंगे। तो प्रोसेसर यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है बट ठीक है बस। एंड 12 NM पर ये बेस्ड है, अप टू 2.0 GHz तक क्लॉक्ड है और माली G52 ये यहाँ पे GPU यूज़ किया गया है। एंड इसके जो एंटूटू के स्कोर्स हैं वह 2 लाख के अराउंड के हैं जो कि ठीक है। यह प्रोसेसर आपको 10,000 की रेंज में भी मिल जाएगा बट ठीक है, प्रोसेसर ठीक दिया है बस ये यही कह सकता हूँ मैं। इससे और बेटर भी यहाँ पे हो सकता था लेकिन प्रोसेसर फिर भी प्राइस के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे अगर कैमरास की बात करें तो फ़ोन में हमको ड्यूअल रियर कैमरे मिल जाते हैं। 50 MP का मेन कैमरा है प्लस सेकेंडरी कैमरा एक डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर आप इसके रियर कैमरे से फुल HD में 30 FPS पर वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेल्फी में यहाँ पर एक 8 MP का सेल्फी कैमरा है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है। सेल्फी कैमरा मेरे ख्याल से 13 MP या फिर 16 MP का होना चाहिए था, तो सेल्फी कैमरा के जो मेगापिक्सल हैं वो यहाँ पे थोड़े से कम हैं तो सेल्फी कैमरा थोड़ा सा और यहाँ पे इंप्रूव होना चाहिए था मेरे ख्याल से। इसके अलावा 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी है 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो ये भी यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमको 3.5 mm का हेडफोन जैक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फेस अनलॉक भी आपको मिल जाता है। फ़ोन में हमको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाता है, यहाँ पर आप एक ही टाइम पे 2 नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। एंड फोन में हमको एंड्रॉयड का 12 मिलता है फ्रंट टच OS 12 के साथ में, तो ये भी यहाँ पे लेटेस्ट है। एंड फोन का जो वेट है वो 190 ग्राम्स का है एंड इसकी जो थिकनेस है वह 8.4 mm की है। तो यही थी सारी स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की। अब एंड में बात करें कि आपको फ़ोन लेना चाहिए तो मैं आपसे कहूँगा इसी प्राइस रेंज में हमको यहाँ पे IQ Z6 Lite मिल जाता है। वहाँ पर जो प्रोसेसर है वह है स्नैपड्रैगन का 4th Gen 1, वह पहली बात 5G प्रोसेसर है और दूसरा उसके जो एंटूटू के स्कोर हैं वह 3,80,000 के हैं, वैसे काफ़ी पावरफुल है। एंड वहाँ पे जो डिस्प्ले है वह फुल HD+ है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है एंड प्रोसेसर भी अच्छा है। कैमरा क्वालिटी भी वहाँ पे और अच्छी आपको मिल जाती है, तो आप उस फ़ोन को ले सकते हो इस प्राइस में, इससे बढ़िया पड़ेगा आपको ये, तो मेरा यही कहना है। तो इस फ़ोन को आप स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप IQOO का Z6 Lite परचेस कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप इस फ़ोन को लेने वाले थे तो इसको आप स्किप कर दो और IQOO Z6 Lite ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो उस फ़ोन के रिगार्डिंग। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।